तौहीन इलेक्शन कमीशन केस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्तों पर आज फैसला सुनाएगा। तीनों रहनुमाओं ने हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्तें दायर की थी। चार रुकनी कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। वाज़े रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी थी। अदालती हुक्म में कहा गया था कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका है, इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाख्तियार बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के एतराजात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे, क्योंकि किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका।